जय हिंद मित्रों, मैं डॉक्टर सुशील पटेल जेएन कॉलेज मधुबनी में गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर में कार्यरत हूँ ज्योग्राफी विभाग में। मेरा वीडियो जो आप लोग देख रहे हैं अच्छा लगे तो इसको लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए। देखिए आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं निम्नलिखित आंकड़ों के आधार पर जो देखते हैं माध्यिका विचलन के बारे में, यानी माध्यिका विचलन है। माध्यिका विचलन अभी आप लोगों को हम माध्यिका विचलन के बारे में बताने जा रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हम माध्य विचलन के बारे में बता चुके हैं। देखिए अभी जो है कि आपके बोर्ड पे कुछ आंकड़ा दिया गया है, उस आंकड़ा के सहायता से हम माध्यिका विचलन ज्ञात करेंगे। जैसे देखिए निम्नलिखित आंकड़ों के आधार पर प्रत्यक्ष विधि से यानी डायरेक्ट मेथड से माध्यिका विचलन तथा माध्यिका से माध्य विचलन गुणांक की गणना करना, यानी कोएफिशिएंट भी गणना करना है, जिसमें यह डाटा दिया गया है 7, 10, 9, 4 इस प्रकार से जो दिया गया है, एक हेक्टेयर में दिया गया है, कृषि फॉर्म का है यह डाटा सभी। अब देखिए इसको सबसे पहले हम निकालने के लिए क्या करते हैं, इसको जो है बढ़ते हुए क्रम में इसको अरेंज करते हैं, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में। अब यहां देखिए सबसे पहले तो क्रम कर दिए, तो 1 से लेके 11 तक जो देख रहे हैं कि आपका क्रम दिया गया है, यानी कि नंबर ऑफ डिजिट जो है फार्म हाउस की संख्या 11 है। यहां तभी का जो है कि अपना हेक्टेयर में क्षेत्रफल है, तो एक देख रहा है कि प्रथम में जो है कि 4 है, 6 है, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 19 ये सभी हेक्टेयर में क्षेत्रफल है उसका। तो हम करते क्या है कि सबसे पहले इसको जो है जो क्षेत्रफल है इसको समेशन एक्स करके निकाल लेते हैं, यानी पूरे को ऐड करने पे जो हमारा 121 आया, यानी कि समेशन एक्स इक्वल टू 121 आया। अब हमको निकालना है माध्यिका विचलन, तो माध्यिका विचलन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, माध्यिका विचलन को एम भी कहते हैं, यानी कैपिटल एम से जो है माध्यिका विचलन माध्यिका को संबोधित किया जाता है, यानी माध्यिका को जो है कैपिटल एम से संबोधित किया जाता है। इसको निकालने के लिए जो होता है n+1/2 मापद, यानी n+1/2 मापद, यानी जैमा पद आएगी वह पद का जो वैल्यू होगा वही आपका माध्यिका होगा। तो आप यहां देख रहे हैं कि n यानी n इज इक्वल टू 11 और यहां देखिए +1 तो +1 हो गई और बाई टू तो 11+1 इज इक्वल टू 12 होगा और बाई टू यानी कि जो आ गया कि छवां पद, तो छवां पद का जो वैल्यू होगा वही आपका माध्यिका होगा। तो जब हम इसमें आते हैं तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी यह वाला जो पद आप देख रहे हैं यह पद आपका छठा पद है। तो यह छठा पद का जो हेक्टेयर में क्षेत्रफल है वही आपका इसका माध्यिका हुआ, तो माध्यिका इक्वल टू कितना हुआ 10। अब हम माध्यिका विचलन निकालने के लिए क्या करते हैं, मॉड्यूल्स एक्स माइनस एम। अब देखिए मॉड्यूल्स के अंदर जब हम दे देते हैं तो प्लस माइनस करने पे यानी माइनस करने पे अगर नंबर माइनस में भी आता है तो भी उसका वैल्यू यहाँ प्लस में ही लिखा जाता है, यानी कि वहां जो है सिंबल नहीं दी जाती है। तो मॉड्यूल्स में जो क्या है एक्स माइनस एम है, तो एक्स आप देख रहे हैं यह है और एम जो है कि आपका माध्यिका जो है 10 है। तो यहां पे क्या है कि यहां पे जैसे कीजिएगा 4-10 और मॉड्यूल्स के अंदर है इसलिए क्या हो जाएगा 6, यहां जो है कि 6-10 तो इक्वल टू 4, 7-10 इक्वल टू 3, 8-10 इक्वल टू 2, 9-10 इक्वल टू 1, 10-10 इक्वल टू 0, 12-10 इक्वल टू 2, 13-10 इक्वल टू 3, 16-10 इक्वल टू 6, 17-10 इक्वल टू 7, 19-10 इक्वल टू 9। तो आपने देखा है कि यह जो है कि हमने निकाल लिया यहां पे जो है जिसको मॉड्यूल्स एक्स माइनस एम या मॉड्यूल्स डीएम भी कहते हैं,
यानी कि मॉड्यूल्स एक्स माइनस एम कहे या मॉड्यूल्स डीएम कहे, दोनों जो है कि आपका इक्वल ही होती है। तो हमने यहां समेशन क्या किए, समेशन मॉड्यूल्स डीएम निकाल लिए। तो इसको ऐड करने पे यानी इसको जोड़ने पे जो है कि आपको 43 आया। जब यहाँ 6 और 4 10 13 5 15 16 16 2 18 18 3 21 21 और 6 27 27 और 34 34 और 9 43, यानी 43 आ गई। अब यहां देखिए कि समेशन मॉड्यूल्स डीएम इक्वल टू 43 है। अब यहां देखिए कि क्या करना है, माध्यिका से माध्य विचलन ज्ञात करना है। तो माध्यिका से जो माध्य विचलन ज्ञात करते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या है, डेल्टा एम, यानी कि यह जो है ग्रीक भाषा का सिंबल है जिसको डेल्टा कहते हैं। तो यह डेल्टा एम इक्वल टू क्या होता है कि समेशन मॉड्यूल्स डीएम वाई एन, अगर इसको हम यहां पे लिख सकते हैं समेशन मॉड्यूल्स एक्स माइनस एम भी लिख सकते हैं, यानी इसके बराबर में क्या कर देते हैं, समेशन मॉड्यूल्स मॉड्यूल्स एक्स माइनस एम यानी मॉड्यूल्स बाई एन भी लिख सकते हैं, यानी इसको लिखे या इसको लिखे दोनों इक्वल होता है। दोनों का वैल्यू क्या है, दोनों का सेम ही होता है। तो अब यहां देख लीजिए कि मॉड्यूल्स डीएम का जो वैल्यू है आपका 43 है, और यहां पे जो देख रहे हैं कि एन है यानी नंबर ऑफ संख्या जो देख रहे हैं कि तो एन इक्वल टू 11 है। तो 11 से जब हम इसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो हमारा क्या निकलता है, डेल्टा एम इक्वल टू 3.909 एक्टियर निकलता है। उसके बाद क्या करते हैं, अगर आपके क्वेश्चन में माध्यिका विचलन अगर पूछा गया है, गुणांक यानी माध्यिका से माध्य विचलन गुणांक यानी कोएफिशिएंट पूछी गई है, तो अगला स्टेप जाएंगे। अगर नहीं पूछा गया है तो आप यहीं पे खत्म कर दीजिएगा। अगर यहाँ पे क्या है कि माध्यिका विचलन भी पूछा गया है, तो देखिए कि क्या है, माध्यिका से माध्य विचलन गुणांक जो निकालते हैं उसका फॉर्मूला होता है डेल्टा एम बाई एम, यानी कि डेल्टा एम बाई माध्य, यानी एम जो है कि माध्यिका है तो वाई माध्यिका है। अब यहां देखिए कि डेल्टा एम का वैल्यू जो है कि 3.909, तो 3.909 है। और यहां जो माध्यिका जो देखिए कि माध्यिका यानी एम एम इक्वल टू 10 है, तो वाई 10। अब देखिए इसको डिवाइड करते हैं तो आ जाता है 0.391। थैंक यू।